लद्दाख क्षेत्र में हिमालय या सिंधु सूचल जोन ISZ, जहां भारतीय और एशियाई प्लेट सम्मिलित है, टेक्टोनिक रूप से सक्रिय पाए गए हैं, जो कि वर्तमान समझ के विरुद्ध है कि यह एक लॉक जोन है। इसके बारे में भूकंप के अध्ययन, भविष्यवाणी, पर्वत श्रृंखलाओं की भूकंपीय संरचना को समझने के साथ साथ इसके विकास के बारे में इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं। हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT और मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT जैसे उत्तर डिपिंग थ्रस्ट से बना माना जाता था। स्थापित मॉडलों के अनुसार MFT को छोड़कर इन सभी थ्रस्ट लॉकेड हैं और हिमालय में समग्र विरूपण केवल MFT के साथ समायोजित किया जा रहा है। नए निष्कर्ष जो सूचक क्षेत्र में एक अधिक दूरस्थ दोष को नव टेक्टोनॉमिक रूप से सक्रिय होने का सुझाव देते हैं, नई तकनीकों और एक बड़े भूवैज्ञानिक डेटाबेस का उपयोग करके मौजूदा विकासवादी मॉडल में एक गंभीर पुनरावृत्ति के लिए सुझाव कर सकते हैं।